नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपको सबसे पहले बताते हैं किस तरीके से स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में समय में बदलाव हुआ है। जी हां, चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कूलों के समय को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश भर के सभी स्कूलों का समय में बदलाव किया गया। आपको बता दें कि 4 मई से प्रदेश के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये बहुत अच्छी पहल है कि छात्रों को टैबलेट जो है वो दिए जाएंगे, अब जो शिक्षा है वो आसानी से ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना काल में क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और ऐसे में टैबलेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो ये ऐतिहासिक फैसला है कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर मोनिका, अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की, तो उनका साफ लफ्जों में कहना था कि समूचे देश के अंदर हरियाणा में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सरकार जो है वो मुफ्त में टैबलेट जो है 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जो है वो दे रही है। और निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी एक सौगात होगी हरियाणा सरकार की, जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जो है बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास मोबाइल ना होने की वजह से या फिर इंटरनेट नहीं होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब आगामी 5 मई को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है रोहतक में 10वीं और 12वीं के बच्चों को लगभग 3 लाख टैब जो है वो वितरण करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समूचे हरियाणा के अंदर जितने भी MPs और MLAs हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वो टैब वितरण करेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब क्योंकि जो प्रदेश के छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, वो काफी उत्साहित भी हैं क्योंकि उन्हें टैबलेट दिए जाएंगे, तो ऐसे में अब क्या शेड्यूल रहने वाला है और किस तरीके से क्या कुछ चीजें रहेंगी? छात्र काफी उत्साहित है ये सब जानने के लिए। निश्चित तौर पर छात्र काफी ज्यादा उत्साहित हैं सरकार द्वारा जो टैब उन्हें दिए जाएंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो एक किताबों के बोझ थे, वो किताबों का जो बोझ है वो काफी हद तक हल्का होगा। हालांकि सरकार द्वारा काफी पहले से ये मुहिम चलाई गई थी, हालांकि वो मुहिम जो है वो अलग अलग विभागों में चलाई गई थी ताकि सभी विभागों को जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उन्हें डिजिटलाइज किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से जो पहल की गई है शिक्षा विभाग द्वारा, बाकायदा जो है बच्चों को 3 लाख टैबलेट जो है 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए जाएंगे, इससे छात्र छात्राएं काफी ज्यादा उत्साहित। और आपको बता दें कि इसमें लगभग 2 GB फ्री डाटा जो है बच्चों को एवरी डे मिलेगा। साथ ही साथ पहले से ही इनबिल्ट जो जिस भी कक्षा में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उस क्लास का जो सिलेबस है वो इनबिल्ट उस टैबलेट के अंदर जो है वो मौजूद रहेगा। साथ ही साथ पीजीटी अध्यापकों को भी 30,000 टैबलेट बांटे जाएंगे ताकि क्लास वर्क और होमवर्क जो है वो डायरेक्ट जो है बच्चों को दिया जा सके, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दिया जा सके। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात होगी और बहुत बड़ा ट्रेंड जो है सेट किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छी पहल प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। और रवि, हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से अब हर विभाग में सुधार करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हम देखें युवाओं को लेकर, चाहे वो MSME सेक्टर हो या फिर खेल सेक्टर हो, हर तरीके से युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा था जहां पर सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर प्रदेश के भविष्य को सुधारना है। तो ऐसे में अब ये क्या हम पहला कदम माने प्रदेश सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर मोनिका, जिस तरीके से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि बहुत ही जल्द जो है वो भारत को जो है डिजिटलाइज किया जा सके, उसी के तहत हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर विभागों को डिजिटलाइज किया जाता है, पोर्टल बनाए जाते हैं, बाकायदा ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा जाता है ताकि कोई भी विजिटर जो है वो ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है वो देखे, चीजों को सोचे समझे और देख सके कि आखिरकार उनका काम जो है वो कहां तक पहुंचा है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा एक बहुत ही अहम और सुखद फैसला जो है वो लिया गया है। अगर हम बच्चों की बात करें या उनके अभिभावकों की बात करें, जिस तरीके से टैब जो है वो 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए जाएंगे, खासतौर पर इससे आर्थिक रूप से काल जारी रहा उस समय जो तीन चुनौतियां का उन्हें सामना करना पड़ा, तो अभी मौजूदा समय में जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा ये कदम जो है बहुत अच्छी और सुखद पहल जो है वो देखी जा रही है। तो मुझे भारत के अंदर जो है सबसे पहले जो है हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त में टैबलेट जो है वो विद्यार्थियों को बांटे जा रहे हैं।